सूजी में दही डाल दिया। ऑलरेडी मेरे पास रोस्टेड सूजी है, अगर आप चाहिए तो कच्चे सूजी में ही कर सकती हैं। एंड इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट कीजिए। ग्रीन चिलीज़, प्याज, नमक एंड यस धनिया पत्ता डाल करके सबको मिक्स कीजिए। पानी या दही से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कीजिए। एंड नाउ तवा में एनी कुकिंग ऑयल दीजिए एंड इसमें डालिए सूजी की पेस्ट, बैटर या एंड सबको ऐसे फैला दीजिए एंड इसे नाउ कवर कर दीजिए। एंड कवर करने के बाद देखिए जादू कैसा फैल गया है। मत देखिए, आप लोग खुद ही देखिए कैसा फैल गया है। एक तो अच्छा बना भी नहीं, मेरे गैस स्टोव सारे इतने गंदे हो गए। अब ये बन गया है, पता नहीं क्या बन गया, हलवा बन गया या क्या बन गया है, कौन खाएगा ऐसा। लेकिन हम हार माने नहीं, थोड़ी सी बेसन डाले, लेकिन अब बनाने की पेशेंस नहीं है। नो नो नो। एंड एक दो दिन पहले हम यहाँ पर गए थे ऑल इंडिया क्राफ्ट बाज़ार, जो आर के वाइजा के आर के बीच में है। एंड वहाँ से हम लिए हैं ये दो तीन गाउन लेकर आए हैं। मेरी जो रेगुलर गाउन है ना, वो ख़राब हो गई थी, तो आई थॉट कि तीन गाउन लेकर आते हैं। तो एक ये है एंड देन वन इज़ येलो इन कलर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा लगा। और ये एक है रेड कलर की नाइटी है, सब गाउन नहीं है, दिस आर नाइटीज, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन हम शॉप में देखे नहीं। तो यू नो देखिए यहाँ पे फटा हुआ है, जस्ट शो यू, यहाँ पे फटा हुआ है, ये देखिए ऑलरेडी। या आई थिंक आई नीड टू चेंज। तो ये नाइटी हम ना 2 दिन पहले लिए थे, तो हम वीडियो बनाए थे, उसको बना नहीं पाए। एंड देन फिर हम चले गए क्राफ्ट बाज़ार लौटाने के लिए। नाउ आई एम बैक। ये वाली दैट वाज फटा हुआ था, इसकी जगह ये ले रहे हैं। और चलिए और दिखाते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, लेट मी सी कुछ और। आई थिंक दिस लुक्स गुड, ये ले लेते हैं। लास्ट यही वाली ले रहे हैं, बिकॉज सारे वीडियो मेरे सिमिलर हो जाएंगे, दिस इज ओके। एंड नाउ ये हो गया है, एंड चलते हैं देखते हैं कुछ पानी पूरी वगैरह, कुछ चाट वाट अगर मिलता हो तो। एंड ये साड़ी पिन लिए हैं, एक दीदा की साड़ी पे 10 रुपीज, 20 रुपीज। एंड ये भी ले लिए हैं, एंड चलते बाहर, पता नहीं तबीयत ही ठीक नहीं लगती है। दिस इज ए टेबल और ये सब मिलता है, नहीं दे रहे हैं, नॉट वेल, नॉट एट ऑल वेल। और ये रिटर्न करना जरूरी था, देयरफॉर आई केम। एंड ये देखिए, दिस इज बीच। हे माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, और भी शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। और कल के डिजास्टर्स चीला, यू नो सूजी की चीला, यू नो बनाए थे दही वगैरह डाल करके, ओ एम जी इतना डिजास्टर्स हो गया ना कि फिर हम कुछ बना ही नहीं, उसके बाद बस हम वैसे ही छोड़ दिए। एंड पहले ये दरवाजा बंद कर ले। एंड उसके बाद में थोड़ी सी बैटर में ना हम बेसन डाल दिए कि बेसन डालने से शायद और ठीक हो जाए, बट देन आई डेंट हैव हिम्मत कि हम फिर कुछ बनाए। तो बस कल की वीडियो उसके बाद हम छोड़ दिए, कल दिन में कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज आई वॉजेंट वेल, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एंड कल आप लोगों को दिखाई भी ना कि गए थे गाउन नाइटी जो खरीदे हैं उसमें थोड़ी सी डिफेक्टिव था, तो वो जस्ट थोड़ी सी शूट किया, बिकॉज हम ऑलरेडी शेयर कर चुके थे आप लोगों के साथ कि क्या यू नो है, आई वॉजेंट वेल एट ऑल। लेकिन क्या है ना कि सब छोटे मोटे शॉप से अगर आप कुछ भी लेते हैं ना, तो व्हाट हैपेंस कि इमीडिएटली रिटर्न करना इज ऑलवेज बेटर, एल्स दे मे से कि हो सकता है आपके घर में हो गया हो एंड ऑल दैट, दे मे से मे नॉट, बट सिंस मुझे कुछ काम नहीं था तो आई थॉट कि चलो कार में तो बैठ कर जाना, आई विल गो टू द शॉप एंड जाकर तुरंत ले आएंगे। सो दिस व्हाट इट हैपेंस, वो कुछ भी नहीं शूट किया, थॉट घर आएंगे तो रिलैक्स करेंगे, चाय वाय पियेंगे तो प्रॉब्ली आई विल बी बेटर, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बट टुडे यस,
एकदम यू नो ठंडे ठंडे पानी से नहाए हैं। आई डिड नॉट टेक मेडिसिन यस्टरडे एट ऑल, कोई भी हम मेडिसिन नहीं लिए। आई जस्ट खूब सारी पानी वानी पी करके हम सो गए एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। क्योंकि खाना वाना तो नॉर्मल था। वो चीला का डिजास्टर हो जाना वाजंट द रीज़न फॉर मी टू गेट सिक, नो दैट वाजंट द रीज़न। एंड या तो चलिए यहाँ पर हम यहीं पे सेट करते हैं एंड लेट मी क्लोज बाथरूम डोर। बाथरूम डोर क्लोज के तो दैट वाजंट द रीज़न यू नो कि हम नहीं कुछ भी नहीं के, बट या टुडे आई फील सो गुड। रात में आई डिड आई स्किप्ड माय मील। जब तबीयत कुछ इस तरह से अचानक से रैंडम से कुछ ख़राब होता है ना, तो फर्स्ट थिंग आई डू कि आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड आई स्किप वन मील। इट रियली हेल्प्स बिकॉज दिस इज़ माय बॉडी। और अपना सबको बॉडी का पता रहता है ना कि आप कितने बीमार है, डू यू रियली नीड मेडिकेशन और डॉक्टर्स सजेशन और समथिंग लाइक दैट। बट लेकिन मुझे आई न्यू कि कुछ टेम्प्रोरी है, तो या सो आई स्किप किया मील एंड खूब अच्छे से एसी वगैरह ऑन करके सो गए। नाउ आई एम फीलिंग ओके। आज शावर किए हैं, बहुत अच्छा लगा। नाउ आई एम एब्सोल्युटली फ्रेश। या तो कल के डिजास्टर्स चीला की वजह से आज आप लोगों को थोड़ी सी कैमरा ऊपर कर दें, या आज आप लोगों को या नो दिस एंगल इज ओके। तो कल की डिजास्ट्रस यू नो चीला के बाद आज हम बनाए हैं टमाटर की चटनी गुड़ डाल करके एंड चिकन करी। तो वो हम रिकॉर्ड कर लिया था कि चलो कुछ से रेसिपी शेयर करना अच्छा लगता है, यू नो इट्स स्लाइडिंग डाउन। या तो कुछ से रेसिपी शेयर करना अच्छा लगता है, तो वही हम बनाए हैं। तो नाउ शावर वगैरह हो गई है मेरी, बॉडी लोशन वगैरह हम लगाते हैं, पूजा करते हैं, आई चेंज एवरी थिंग्स एंड आप लोगों से मिलते हैं। इन द मीन टाइम आप लोग टमाटर की चटनी देख लीजिए गुड़ वाली एंड चिकन करी, सिंपल चिकन करी जो घर में मतलब प्याज एंड लहसुन अदरक है ना। प्लीज टू वॉच। टमाटर को प्रेशर कुकर में बॉईल कर दिए एंड उसे निकाल दिए एंड ठंडे होने के लिए रख दिए। एंड नाउ देखिए ठंडे होने के बाद ना कितनी अच्छे से स्किन इजीली निकल रहा है। एंड उसको थोड़ी हाथ से स्मैश कर दिए और नाउ सरसों तेल में 5 फोरन तेज़पत्ता डाले एंड टमाटर जो स्मैश टमाटर है उसे इसमें डाल रहे हैं। रेड चिली पाउडर एंड गुड़ यू नो जैगरी गुड़ वो डाल रहे हैं, तो जस्ट फॉर चेंज। तो यही बना रहे हैं, सबको मिक्स करके थोड़ी सी इसमें पानी भी डाल दिए हैं, थोड़ी सी डाइल्यूटेड लग रहा है। तो बस उसे कवर कर दिया हाई फ्लेम में सो दैट और भी सॉफ्ट हो जाए एंड जल्दी बन जाए। नाउ देखिए बन गई है, ऑलमोस्ट दिस इज़ डन एंड कलर कितनी अच्छी आई है। नाउ दिस चटनी इज़ रेडी, अब इसे हम कटोरी में निकाल देंगे एंड नाउ अब चल रहे हैं चिकन बनाने के लिए। तो सरसों तेल में प्याज जीरा एंड प्याज डाल दिए, वो उतना हम शूट नहीं कर पाए। आई थॉट कि चलो बना ही लेते, शूट कर लेते, थोड़ी बहुत क्लिप ले लिए, उसमें चिकन डालें, थोड़ी सी लहसुन अदरक पेस्ट थी मेरे पास एंड सॉल्ट डाल दिए एंड सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी टमाटर प्यूरी बची थी, जो टमाटर की चटनी बनाए थे ना वो बची थी तो वो डाल दिए एंड थोड़ी सी गाजर भी बची थी कुछ सैलड के लिए कल काटे थे तो वो भी डाल दिए। हल्दी मिर्च धनिया पाउडर एंड इसे सब कवर कर रहे हैं, इसे मिलाना नहीं है। हल्दी मिर्च धनिया पाउडर डाल के नहीं मिलाने से क्या होता है ना कि मसाला भी पक जाता है और अगर मिला लेंगे ना तो जलने लगता है मसाला, या तो ऐसे कवर करके रखने से ना ठीक हो जाता है। एंड अच्छे से फ्राई किए एंड चेक किए तो दिस इज़ हो गया है ये, और देखिए बहुत अच्छे से हो गया। अब नाउ गर्म मसाला डाले हैं एंड गर्म मसाला को तो पकाने की ज़रूरत होती नहीं है, यहाँ पराठा भी बन रहा है एंड नाउ इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं एंड सबको बॉयल किए। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पानी ज़्यादा हो गई थी, हाई फ्लेम में इसे बॉयल किए हैं। नाउ चिकन रेडी। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है। देखिए यहाँ पे क्या चिकन रखे हैं एंड मेरे पास धनिया पत्ता है नहीं, आई डोंट हैव कोरिएंडर लीफ, तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आज मेरी ब्रेकफास्ट क्या है एंड दिस इज गुआवा जिसमें थोड़ी सी चाट मसाला डाले हैं एंड दिस इज बनाना शेक। एक बनाना यू नो ऐसे रख लेते हैं, एक बनाना थोड़ी सी इट वाज बिकमिंग अ बिट सॉफ्ट, तो ये बनाना शेक बना लिए। थोड़ी सी नमक जरूरी होता है यू नो आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी सॉल्ट इज नीडेड, तो ब्लैक पेपर इसमें चाट मसाला डाल दिए हैं तो सॉल्ट तो मिल जाएगा
एंड अगेन फिर दरवाजे अगेन ओपन खुल जा। फिर अभी गए थे बाहर यू नो कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो लेट मी गॉबल माय ब्रेकफास्ट एंड लंच में चिकन के साथ राइस रहेगा। या अगर यू नो एक शाम हम इस साइड आ जाएं बिकॉज इधर बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। या अगर ठीक अरेंज नहीं करते हैं ना तो बहुत अरेंज करना पड़ता है ना रैंडम इस मुश्किल। तो अगर एक बार में ना एक दिन आपकी ऐसी तबीयत खराब हो जाती है जस्ट फॉर नो रीजन यू नो कभी कभी पता नहीं चलता है बट अच्छा नहीं लगता है, तो बेस्ट मेडिकेशन इज टू स्किप अ मील। एक मील स्किप कीजिए एंड नेक्स्ट डे आप एकदम फ्रूट एंड एकदम लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए एंड देन लंच वगैरह में आप नॉर्मल खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल वॉट एवर जो खाती हैं वो खाइए। देखिए विदाउट मेडिकेशन आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। या तो दिस वॉट मेरी भी ब्रेकफास्ट है एंड या डेफिनेटली लंच में हम बनाए हैं चिकन करी, तो बनाइए आप लोग के साथ दिखाएं, टमाटर की चटनी सब बनाए लंच में। दिस वॉट आई एम गोइंग टू हैव बट या दिस इज फॉर ब्रेकफास्ट। दो मील रफली एक मील तो आपने स्किप किया एंड सेकेंड बहुत लाइट खाइए तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाता है। या एंड नाउ चाय 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 टाइम। दिस इज इवनिंग टाइम, दिस इज नॉट इवन इवनिंग, इवनिंग से भी काफी देर हो गया है एंड आई शो यू द टाइम। दिस इज गोइंग टू बी ओ एम जी, देखिए घड़ी गोइंग टू बी 6:30 एंड ये चाय हम यहाँ रख दें। जस्ट इमेजिन दिस इज 6:30 और अभी हम चाय बनाए हैं एंड उप्स एंड बाहर इज क्वाइट ऑलरेडी डार्क हो चुका है एंड यू नो वॉट आज हम सो गए। जनरली आई डोंट स्लिप डे टाइम में बट यू नो बैक साइड जनरली आई नेवर स्लिप डे टाइम में बट आज पता नहीं क्या हो गया आई वेंट टू स्लिप एंड आई वोक अप एट 6। उसके बाद यू नो जब भी कोई टाइम एंड एवरीथिंग स्केड्यूल चेंज होता है तो दैट रियली इरिटेट्स मी। हर चीज टाइम पे हो जाए तो आई जस्ट लाइक इट सो मच, बट देन अगर थोड़ी सी लेट हो जाए या पहले हो जाए तो ठीक है, अगर बहुत लेट में होती है ना तो रियली दिस थिंग्स यू नो मुझे बहुत इरिटेट करता है। या एंड आज क्वाइट कूल है एंड आई एम लुकिंग फॉर चांद, हम चांद ढूंढ रहे हैं क्योंकि रमज़ान शुरू हो गई है। तो मेरे व्यूअर्स को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। या एंड देन हम लोगों को भी वी ऑल्सो गेट एक्सक्यूज टू गेट गुड फूड, आई हैव गुड फूड ओ माई गॉड। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ तो फिर तो अब ईद की इंतज़ार होगी, उसके बाद अभी होली आने वाला है मतलब फेस्टिवल्स। या एंड मौसम इज सो गुड, यहाँ से तो चांद दिख नहीं रहा है, इस तरफ तो दिख नहीं रहा है ना ही इस तरफ दिख रहा है, कोई बात नहीं अभी नीचे जाएंगे तो दिखेगा ही। या सो दिस इज इट, तो यू नो स्केड्यूल चेंज हो जाता है ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। या मैं सम अदर फ्रेंड्स आर पैसिंग बाय वी देख रहे हैं, दे आर जस्ट लुकिंग एट मी। इशारा करी कि आई एम मेकिंग व्लॉग, आई सेड यस थोड़ी देर रुक जाओ, दे विल जस्ट कॉल मी इन अ व्हाइल। क्या हुआ सॉरी तुम अभी तक उतरी नहीं नीचे, तो यार जस्ट टेल देम कि नहीं उतरे बिकॉज हर चीज मेरा लेट हो गया। एंड यू नो देखिए आप लोग सोचे थे आज नेल पॉलिश लगाएंगे, दिस नेल पॉलिश हम रखे हुए हैं, आई वाज थिंकिंग कि हम लगाएंगे एंड अब लेट हो गया, अब नीचे जाएंगे घूमने के लिए, अब उस दिन 5 बजे उठेंगे फिर नेल पॉलिश वगैरह लगाएंगे, लेकिन नाउ आई एम गेटिंग लेट, नाउ दिस इज क्वाइट लेट। ऐसे करते लाइट आता है ना तो फिर ये हो जाता है। एक्सक्यूज मी, नाइस चाय। या तो नाउ आज आई फील सो गुड एंड आज इसके बाद हम लंच शेयर नहीं किए लंच एंड मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइट फूड हो गया एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस एंड दैट्स इट। तो चलिए दिस इज नथिंग मोर आई वॉन्ट टू शेयर, बस अब इसे एंड करते हैं। अब नीचे जाना है, थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे फिर
लिटिल बिट ग्रोसरीज हैं तो वो सब क्या शेयर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। या